सरकार ने वर्ष 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाया है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को साफ व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि कौशाम्बी जनपद के सिराथु ब्लॉक के ग्राम पंचायत चमंदा के उसरा पर मजरा में एक ही हैंडपंप होने के कारण यहाँ रहने वाले कौशल सहित 400 लोगों को पानी के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की समस्या बहुत खराब है। 12 बजे रात तक बम्बा चलता है, उसके बाद फिर 4 बजे भोर में उठना पड़ता है, तब पानी मिलता है। वो एक एक घंटा आधा आधा घंटा खड़ा रहना पड़ता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लेटरिंग तक का पानी मिलने में आफत हो जाती है। पानी समस्याएं से जो है हम लोग के बच्चे पढ़ने का खाने का कोई टाइम नहीं है। कितनी टाइम टढ़ने जाएँ, कितनी टाइम हम लोग कमाने जाएँ, कितनी टाइम मजदूरी करने जाएँ, भाई पानी है तो सब कुछ है, पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। इस समस्या को हल कराने के लिए काफ़ी प्रयास किए हो? प्रयास तो किया गया है, एक दो तीन बार सभी लोग से प्रयास किया। जो पिछले बार माननीय श्री वाचस्पति जी आए थे तो उनसे भी हमने कहवाया था तो बोले कि ठीक है, हम आपकी समस्या को हल करेंगे। वाचस्पति कौन है? वाचस्पति इस समय वर्तमान समय के मंत्री जी हैं, विधायक जी। और कभी ग्राम प्रधान से आप कहे हैं? कहा गया था उनसे भी, और वो समस्या सब जानते हैं। जब उनको कोई समस्या हल नहीं हो पाई तो उनसे क्या कहा जाए, एक दो बार कहा गया है। हम भी चाहते हैं कि बम्बा लगे, कुछ सुविधा हो हमको भी। यदि हैंडपंप लग जाएगा तो आपको क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। किस तरह का? समय से पानी मिलेगा, समय से काम करेंगे, खाना समय से बन जाएगा। मैं चाहता हूं आपसे, अनुरोध है मेरा कि कम से कम यहां दो बम्बा और होना चाहिए, तब तो हमारे लोग की कुछ समस्याएं हल हो। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इस गांव में दूसरा हैंडपंप जल्द से जल्द लगे, जिससे इनकी समस्या दूर हो सके। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि कौशाम्बी जनपद के सिराथु ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 9454446476 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। मैं महेश कुमार, सिराथु कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।